Okay, let us start, beta, with the question. That is question number 14 from the same chapter AP, exercise 5.2 today. Okay, we have to do exercise 5.2 and we have to discuss question number 14, beta. Okay, ab beta dekhi question number 14 mein hame kya karna hai. How many, jo hai, sorry, question number 15. 14th we have discussed yesterday. For what value of n, they have mentioned, for what value of n are the nth term of the two APs jo hai are equal. Wo kehte hai ki agar mere paas jo hai two APs di hai, first AP beta mere paas mention hai, that is 63 65 67, so on, and the second AP मेरे पास जो है क्या दी हुई है 3 10 17, so on. और मुझे कैलकुलेट करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी n की, ऐसी कौन सी एक टर्म होगी जो दोनों इक्वल होगी, पोजीशन बतानी है मुझे. ओके बेटा, तो अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म 63 है ए फर्स्ट एपी की, और डी दैट इज कॉमन डिफरेंस T2 minus T1, 65 minus 63, that is 2. In the second AP, A is 3 and D, that is T2 minus T1, that is 10 minus 3. Kitna aa gaya? 7 aa gaya. So, ab beta dekhiye, according to question, mere paas yahan par kya diya hua hai? That is Tn is equal to Tn dash. ओके अब टीएन मेरे पास जो है, एक चीज कर सकते हो, हम ए ई डी सेम नहीं ना लिख सकते, आप यहाँ डैश डाल दीजिए तो गलती नहीं होती है. तो बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश एन माइनस वन डी डैश. एन के ऊपर डैश नहीं डालना क्योंकि एन तो सेम ही होगा ना. उन्होंने कहा विच टर्म, तो ऑब्वियस है कि मेरे पास n will be the same. अब बेटा values put करो, a की value 63, n को as it is रहने दो, d पहले वाले में कितना था 2, अब यहाँ पर 3, n को as it is रहने दो, common difference जो है वो 7. Now open the brackets, आप क्या कर सकते हो, n वाली terms को एक तरफ ले जाएं, बाकियों को दूसरी तरफ transpose कर दें. तो 63 माइनस 3 और इधर ओपन किया तो 7n माइनस 7. अब ये ओपन करके ट्रांसपोज भी होना है, माइनस 2n प्लस 2. ओके बेटा, नाउ व्हाट आई विल गेट हियर, दैट इज 60 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5. नाउ ट्रांसपोज इट टू दिस साइड, 60 प्लस 5 5n, 65 by 5, that is n. तो बेटा n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 13. यानी दोनों की 13th टर्म जो है ना वो सेम होगी, आप कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, ये बात सबको समझ आई, चलिए बेटा आगे. ओके गुड, नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16 बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास बेटा क्या आया, इन द क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, लेट अस रीड फर्स्टली द क्वेश्चन नंबर 16. इन दिस क्वेश्चन नंबर 16 डिटरमिन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म, the seventh term exceed the fifth term. Exceed का मतलब होता है plus, ज़्यादा है, बड़ी है. Exceed the fifth term by 12 beta. तो उन्होंने कहा है AP लिखिए. मैं एक चीज बता दूं, in order to write the AP we need two terms, one is A and the second is beta D. अगर ये मेरे पास नहीं है ना तो बेटा प्रॉब्लम आती,
तो अगर दो क्वांटिटीज निकालनी है ना बेटा, तो कम से कम दो इक्वेशंस होनी जरूरी है। तो आपको दो दी हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रेक्षित, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रेक्षित अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बेटा, सॉरी बेटा, दोबारा कीजिए अपने आप को अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी प्रीक्षित, आप मुझे ये बताइए बेटा कि अगर थर्ड टर्म 16 है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अपने थर्ड टर्म आप। अगर 16 हो तो मैम हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कीजिए अनम्यूट परीक्षित अपने आप को। बेटा थर्ड यस टर्म मैम। का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम एन एन टर्म का फॉर्मूला पूछते हैं तो आप कहते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो थर्ड टर्म T3 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? T+2D ओके, डी प्लस टू डी। एनी अदर फॉर्मूला? आर्यन आर्यन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को बेटा। ऑप्शन दे दी मैंने। यस मैम। थर्ड आपके पास थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? ए प्लस एन माइनस वन डी तो बेटा एन की जगह पे क्या लिखेंगे? थ्री। तू बताइए ना, ए प्लस टू डी डायरेक्टली बोलना है। जितनी टर्म आपसे पूछी जाए ना, अगर मैंने सेवेंथ पूछा है तो आप लिखोगे ए प्लस सिक्स डी। अगर मैंने थर्ड पूछा है तो आप सीधा बोलोगे ए प्लस टू डी। आर्यन का फॉर्मूला बिल्कुल सही था। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, टी थ्री की जगह पे ए प्लस टू डी और इक्वल टू 16। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर नेक्स्ट टर्न, मैक मैक अनम्यूट योरसेल्फ। हरिया मैम हम लोग लिखेंगे ए बेटा प्लस 60। रिपीट कीजिए, सिक्स सेवन टर्म ए कीजिए। ए प्लस 60। वेरी गुड, ए प्लस 6d और 5t5 की जगह पे। ए प्लस 4D। वेरी गुड महक, वेरी गुड, दैट प्लस टू 12। अब बेटा सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने बेटा ए और डी की वैल्यू निकालनी। अगर मैं इसमें देखूं, ए और ए तो कट ही गए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, 2d इज इक्वल टू 12, तो डी की वैल्यू बेटा 6 आ गई। अब मेरे पास डी 6 है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ए कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे? पुटिंग पुटिंग डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? ए प्लस टू इंटू 6 दैट इज 16, 16 माइनस 12 और ए इज इक्वल टू 4। मेरे पास ए भी आ गया, मेरे पास डी भी आ गया। अब उन्होंने एपी लिखने को कहा है बेटा, व्हेन एवर दे आस्क यू टू राइट एन एपी, तो बेटा यू हैव टू राइट एटलीस्ट फर्स्ट फोर टर्म्स। कैसे? देयरफॉर एपी इज, ए इज 4, देन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में क्या करते हैं? डी 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 ऐड करते जाएं, 10 देन 16 देन 22 देन सो। ओके जी, क्लियर बेटा? नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर जो है 17th। व्हाट इज रिटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये चीज पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनी टाइम्स, इवन 16th क्वेश्चन आल्सो एंड 17th क्वेश्चन आल्सो। सी हियर क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बेटा फ्रॉम द लास्ट को अंडरलाइन कीजिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी
3, 8, 13, so on, 2, 5, 3. What this question means? वो ये नहीं कह रहा है कि स्टार्टिंग से 20th बताओ, वो ये कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है पीछे से 20th बताओ, लास्ट से 20th. तो बेस्ट वे, इजीएस्ट वे क्या होता है, जब भी आपको लास्ट से कहा हो ना, तो पहले सीरीज को उल्टा कर दो, क्योंकि हमें लास्ट से कोई फॉर्मूला नहीं आता. आप क्या लिखोगे, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ गिवन सीरीज means 20th term of the series, कौन सी series, 2, 5, 3 dash dash dash, उल्टा कर दो इसको. मेरे पास तो है यहां पर 13th है, 13 लिखा हुआ है, तो that means 13, 8, 3. ये बात सबको समझ आई? मैंने कहा जो यहां से अगर 20th टर्म लिखनी है तो मैं इसको ही ए मानू ना, मानू कि नहीं मानू, और सीरीज उल्टी हो जाएगी. अब मेरे पास इसका कोई लेना देना नहीं है, अब मैंने इसकी 20th टर्म निकालनी है बस. ओके, तो उसके लिए बेटा अब मैं क्या करूंगी यहां पर, व्हाट आई हैव टू डू हियर, मेरा ए जो है नाउ ए बिकम 2, 5, 3 इस सीरीज के अकॉर्डिंग, और डी कितना हो गया, मेरे पास नेक्स्ट टर्म तो डी नहीं, मैं किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म्स को माइनस कर सकती हूँ ना, तो मेरे पास ये लास्ट टू टर्म्स ही है, तो 3 - 8 करना है -5, 8 - 3 नहीं करना. ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? अब आप लिख सकते हो देयरफॉर 20th टर्म इक्वल्स A plus N minus 1 into D. आप सीधा भी 19D लिख सकते हो. अब A आपके पास ये बना, D आपके पास minus 5 बना, इसको सॉल्व कीजिए, 2, 5, 3 minus मेरे पास हो गए 95, minus कीजिए 13 - 5, 8, 14 - 9, 5 और 158. ओके बेटा, चेक कर लेना आंसर, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ आई? इसमें तब हम ए ये नहीं लेते, डी हम यहां से माइनस नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम पहले सीरीज को ऑपोजिट उल्टा कर देते, रिवर्स, ऑपोजिट नहीं रिवर्स, फिर वहां से ए सेलेक्ट करते हैं और वहां से डी लेते हैं और वहां से 20th टर्म. ठीक है बेटा जी, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 18th फॉर यू. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18th में अब मेरे पास बेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18th में अगर हम देखेंगे, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म मेरे पास तो है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म is 24 and the sum of the 6th and 10th term jo hai is 44. Find the first three terms of an AP. Unhone first three terms AP ki calculate karne ko kaha. Haan ji, kaun mujhe batayega? Manmeet, Manmeet, unmute yourself. Yes ma'am. हाँ जी मनमीत, मुझे बताइए कि T4 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A+3D. ओके, A+3D. आगे क्या करेंगे? A+7D. वेरी गुड, A+7D इज इक्वल टू 24. इसको कंबाइन कीजिए तो 2A+10D इज इक्वल टू 24. आप चाहो तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो A+5D ये 12 बन गया. Mark this equation first. Jasnoor, Jasnoor, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ जी, माइक के पास बोलना बेटा,
नेक्स्ट इक्वेशन में क्या फॉर्मूला लगाएं जैसनू? नेक्स्ट इक्वेशन टी सिक्स की वैल्यू जैसनू, टी सिक्स की वैल्यू बेटा? मैम ए प्लस फाइव डी. वेरी गुड. ए प्लस फाइव डी आफ्टर देन ए प्लस नाइन डी. ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 44. वेरी गुड जैसनू. अब बेटा कंबाइन करें तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44. फिर 2 कॉमन आके उधर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं तो a प्लस 7d 22 हो गया. ये सेकेंड इक्वेशन बन गई. मैं आपको बार बार कहती हूँ एपी में अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स मैंने a और d कैलकुलेट करना है तो बेटा 100% मेरे पास होंगे क्या पर है दो इक्वेशन बन जाए तो आई कैन सॉल्व इट. तो अब बेटा दोनों को क्या करना है माइनस करना है जैसे मर्जी चाहे दिस माइनस दिस कर दो या दिस माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता. ए प्लस सेवन डी 22 मेरे पास क्यों है तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है बेटा ए प्लस फाइव डी 12 माइनस करो 2d और 10 डी इज इक्वल टू 5. अब d 5 निकल गया ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. पुटिंग इन फर्स्ट व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ d एज 5 इन फर्स्ट यू विल गेट a प्लस 25 इज इक्वल टू 12. a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 तो मेरे पास कितना आया बेटा दैट इज 13 विद नेगेटिव साइन. आपके पास a भी आ गया आपके पास d भी आ गया. हाउ टू राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स जी आर रोल नंबर 19 जी आर रोल नंबर 19 अनम्यूट योर सेल्फ जी आर रोल नंबर 19. यस मैम. हाँ जी जी आप बोलिए. हाउ टू राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स फर्स्ट थ्री टर्म्स अगर आपके पास ए की वैल्यू माइनस 13 है डी की वैल्यू 5 है तो आप एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स कैसे लिख सकते हो बेटा? मैम ए प्लस डी पहली बेटा ए होती है नेक्स्ट ए प्लस डी होती है. हाँ जी ए प्लस टू डी. ओके वेरी गुड. ए प्लस टू डी तो बेटा ए की वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 देन मेरे पास हो गए माइनस 13 प्लस 10 द आंसर इज माइनस 5. वेरी गुड. ओके बेटा नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th 20th क्वेश्चन बोथ सेम है. लेट अस डू 19th एज होमवर्क. आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 20th फॉर यू. ओके क्वेश्चन नंबर 19th इज योर होमवर्क. ओके बेटा तो मैं क्वेश्चन नंबर 20th आपको करवाने लगी बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 20th में मेरे पास क्या दिया हुआ बेटा रामकली सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर. उसने रुपीज 5 जो है वो सेव किए फर्स्ट बात हुई फर्स्ट टर्म की बात 5 हो रही है एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75. वो हर बार इंक्रीज कर रहा है यानी वो क्या है बेटा चेंज है. अगर वो चेंज है तो दैट मींस वो आपके पास क्या हो गया डी हो गया बेटा. दैट इज गिवन टू यू डी. अब उन्हें क्या कहा है बेटा इफ द इन द nth वीक उसने कहा nth वीक में अगर उसकी सेविंग जो है बेटा वो 20.75 हो गई find the n. It is given there. nth term. nth week मतलब nth term होगी. तो बेटा that is 20.75. Then find n. Very easy. Next, Mannat. Mannat बेटा unmute yourself. Mannat unmute yourself. Are you up?
मन्नत मन्नत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा मन्नत हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट परमवीर परमवीर बेटा अनम्यूट कीजिए मैंने ऑप्शन दी हुई है हाँ जी परमवीर अकेला अपने आप को म्यूट करके छोड़ना जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं माइक की आवाज नहीं आएगी मेरे पास बेटा रियली सॉरी हाँ जी हरसिमरन हरसिमरन मैम ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 20.7 वेरी गुड 20.75 वेरी गुड टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 20.75 ए इज 5 प्लस एन मुझे कैलकुलेट करना है डी इज 1.75 Solve the values by transposing it to other sides and get the value. Yes, Saksham, what you want to say? I'm sorry, I want to give the answer. Okay. Okay, beta. Is it clear to everyone now? ठीक है बेटा तो यहाँ से ये concept हमारा पूरा जो है वो cover हो गया एक concept. ठीक है तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट करेंगे यहाँ पर ठीक है बेटा उस कॉन्सेप्ट में मेरे पास जो है लास्ट टॉपिक इसमें कवर होता है सम का अभी तक बेटा हमने जो किया ना वो पता क्या किया बेटा वी हैव जस्ट डन कि nth टर्म क्या होती है बट अब हमने जो करना है वो क्या करना है कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म a है दूसरी टर्म a प्लस d है थर्ड टर्म ए प्लस टू डी है सो ऑन nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी है तो बेटा इसका सम क्या है देखो बीच में मैंने प्लस डाल दिया देखिए हर टर्म के बीच में प्लस तो मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है ठीक है इसके लिए फॉर्मूला भी ड्राइव करना मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला उसके लिए बेटा देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हम मान लेते हैं इसका जो सम है ना वो एस आई लेट अस कंसिडर कि अगर ये ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ये सारा क्या है मेरे पास बेसिकली क्या बना सम बना इस मैंने सम क्या ले लिया एस यही से मैं फॉर्मूला ड्राइव करना आपको बताऊंगी अब बेटा देखिए मैं क्या करूंगी सम को ऐसे ही रहने दूंगी मैं टर्म्स को ना रिवर्स ऑर्डर में लिख देती हूं सारी टर्म्स को अच्छा उसको लिखने से पहले इससे पिछली टर्म वो क्या होगी a प्लस एन माइनस टू डी होगी ना तभी अगली a प्लस एन माइनस वन डी होगी होगी ना बेटा तो अब मैं यहां पर क्या करूं ऑन राइटिंग ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर मैंने सिर्फ ऑर्डर को रिवर्स किया अब जब मैंने रिवर्स किया ऑर्डर को तो मेरे पास क्या आया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहली टर्म सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म इधर से ये इसके नीचे लिखूंगी a प्लस n माइनस वन इंटू टू एन माइनस टू इंटू डी लास्ट में क्या आएगा a प्लस डी और यहां क्या आएगा a यहां तक किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी मैंने सिर्फ ऑर्डर रिवर्स किया बीच में मैंने डैश 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 ही डाला अब मैं इनको क्या कर दूं एड कर दूं बेटा What I have to do? Add the corresponding terms.
जब मैंने एडिंग की, एडिंग इक्वेशन वन इक्वेशन टू, जब मैंने एडिंग की बेटा, एस प्लस एस टू एस, ओके। अब यहां पर देखिए ए, ये भी ए है ना, ये बन गया टू ए प्लस बेटा ये एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही आया। ओके बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट सेकंड टर्म पे आ जाओ, यहां पर ए प्लस ए टू ए ही आया, ये टू टाइम्स है ना मेरे पास, मैंने गड़बड़ी कर दी, सॉरी, ए प्लस ए टू ए। अब ये देखिए, ये इसके साथ कंबाइन होना है ना, यानी एक आएगा डी और एक आएगा एन माइनस टू डी, ये टर्म आ गया। ओके, अब लास्ट पे सीधा जाते हैं, सो ऑन ए प्लस ए, आपने सेकंड लास्ट भी लिखनी है, आप लिख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, हम सेकंड लास्ट भी लिख देते हैं, डैश डैश डैश, ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस डी प्लस, अब लास्ट टर्म ए प्लस ए टू ए एन माइनस वन डी, ये एक ब्रैकेट होगी, ये एक ब्रैकेट होगी। ओके बेटा, अब जरा ध्यान से देखें, मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रही हूं, यहां तक पहले किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। मैंने जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड की। ओके, अब बेटा देखो, यहां पर मेरे पास क्या बचा, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, टू एस इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर देखिए, ये अगर मैं ओपन करूं एन डी माइनस टू डी प्लस डी, माइनस टू डी प्लस डी कितना होता है, माइनस डी, तो दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म भी मेरे पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच गया, बचा ना बेटा, ऐसे ही प्लस सो ऑन। ये टर्म देखिए डी, ये माइनस टू डी, तो कितना बचा माइनस डी, तो बेटा यहां पर भी मेरे पास होंगे बेसिकली क्या बचा, अगर देखे तो ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर देखिए लास्ट टर्म तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में कितनी टर्म्स थी, n, सेकंड में भी n ही रिवर्स की, और जब ऐड होंगी, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड हुई, सेकंड में सेकंड ऐड हुई, रही तो बेटा वो n टर्म्स ही ना, ये कितनी बार आ रहा है, देखो सेम सेम सेम, ऑब्वियसली n टाइम्स आएगा, तो दैट मींस 2s इज इक्वल टू n इनटू ये 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d हो गए, मतलब वो सारी टर्म्स को मैंने कंपाइल कर लिया एन टाइम्स हो गया। कैसे, मैं एक बार बता रही हूं, एक्स एक्स सो ऑन टेन टाइम्स है, आप इसको टेन एक्स लिख देते हो, लिखते हो ना, सेम ईयर टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी कितनी बार है, एन टाइम्स है, आई कैन राइट टेन इन टू द सेम टर्म, तो एस का फॉर्मूला n by 2 मेरे पास 2a plus n minus 1 into d हो गया। This is my formula for n terms, sum of n terms of an AP, जो हमने याद रखना है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये फॉर्मूला कहां से बना है। जैसे आपने nth term, there is a difference between the both. जब मैं आपको nth term कहती हूं
तो आप लिखते हो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. जब मैं एस एन दैट मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब बेटा देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि हमारे पास n क्या है, कितनी टर्म्स का सम लेना है, a आपको पता है फर्स्ट टर्म, d आपको पता है कॉमन डिफरेंस. और रियल लाइफ में कहां यूज होता है आपको पता है, मैं बताऊं कहां पर यूज होता है, जब हम क्या करते हैं, आपने एक बैंक में पहले 100 रुपीज डिपॉजिट करवाए, हर मंथ में इंक्रीमेंट लगा रहे हो, सेकेंड मंथ में आपने मान लीजिए 200 कराए, थर्ड मंथ में 300 कराए, फोर्थ मंथ में 400 कराए, तो आपने देखना है कि कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई 12 मंथ में. तो आप क्या करोगे, एस एन का फॉर्मूला लगाओ. अगर मैं आपको पूछती आपने 12th मंथ में कितनी अमाउंट करवाई, तो अब टी एन का फॉर्मूला लगाओ. पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो टी एन, अगर सम लगाना है तो एस एन. ओके बेटा, तो इसी पर बेस्ड हम टुमारो क्वेश्चंस करेंगे. बी रेडी, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट इसके बाद कोई नहीं है, सेम सेम क्वेश्चंस जो है यहाँ पर चलेंगे. ओके बेटा, गेट रेडी टुमारो. ओके, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इफ देयर इज एनी चेंज इन द टाइम टेबल. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर. एनी डाउट टू एनीवन? ओके.